that majority of the students which we are which are here right now, they know के इनको at least basics का पता है कि हमने जो पिछले courses जो transportation one और two दोनों आप लोगों ने पढ़े हैं, तो जो भी चीज़ें हैं जिससे मैं go through हो रहा हूँ, तो I'm expecting कि आपको तमाम चीज़ों का detail में पता है. ठीक है, तो just a revision kind of stuff we are doing right now. ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने वी हैव डिस्कस्ड लेक्चर नंबर वन एंड लेक्चर नंबर टू. इन दोज लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड के हमारे पास जो है वो हाईवे अलाइनमेंट क्या होता है, और फिर अलाइनमेंट के क्या क्या तरीक़ेकार होते हैं, किस तरह हम अलाइनमेंट को सेलेक्ट करते हैं, और फिर क्या क्या जो है स्टेप्स उसके उसमें इन्वॉल्व होते हैं. फिर उसके बाद हमने सर्वेज के बारे में भी थोड़ा डिस्कस किया कि किस प्रोसीजर के थ्रू अलाइनमेंट को सेलेक्ट किया जाता है. आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट द डिज़ाइन कंट्रोल इन क्राइटेरियाज. दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर जहां से हम ज्योमेट्रिक डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो डिज़ाइन कंट्रोल इन क्राइटेरियाज क्या है कि आप जब भी हम ज्योमेट्रिक डिज़ाइन करते हैं तो उसमें कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं या कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन को कंट्रोल करती हैं. ठीक है, तो जब भी आप ज्योमेट्रिक डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहले ये है कि आपने ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के स्टैंडर्ड्स को सेलेक्ट करना है. जो भी स्टैंडर्ड आप सेलेक्ट करते हैं तो ये स्टैंडर्ड हर एक क्लासिफिकेशन ऑफ रोड के लिए अलग अलग होती है. ऐसी नहीं है कि एक ही स्टैंडर्ड है और वो तमाम क्लास ऑफ हाईवेज के लिए एप्लीकेबल है. ठीक है ना, तो ये ज्योमेट्रिक डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स, लेट सपोज आपके पास डिफरेंट क्लासेस हैं जो फंक्शनल क्लासिफिकेशंस हैं, फ्रीवे है, हाईवे है, आर्टीरियल है, कलेक्टर है, इस तरह मुख्तलिफ किस्म के फंक्शनल क्लासिफिकेशंस हैं. तो जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन रोड की होगी, लेट सपोज आप फ्रीवे बना रहे हैं तो फ्रीवे की अलग ज्योमेट्रिक डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स हैं, आप मोटर हाईवे बना रहे हैं तो उसके अलग डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स हैं, आप कलेक्टर या आर्टीरियल रोड बना रहे हैं उसके अलग डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स हैं, और सिमिलरली आप लोकल रोड बना रहे हैं तो उसके अलग डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स हैं. ठीक है, तो ये नहीं है कि एक के डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स आप दूसरे पे अप्लाई कर सकें. ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये जो मेजर फैक्टर्स हैं जो कि ब्रॉडली डिज़ाइन को कंट्रोल करती हैं डिफरेंट रोड्स के लिए. सबसे पहला आपके पास है डिज़ाइन व्हीकल. ठीक है, तो डिज़ाइन व्हीकल इट्स वन ऑफ द फीचर विच बेसिकली कंट्रोल्स द डिज़ाइन और द ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ द व्हीकल. दूसरा हमारे पास है व्हीकल परफॉर्मेंस एंड ह्यूमन फैक्टर्स. ठीक है, ट्रैफिक करेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास डिज़ाइन स्पीड आ जाता है और डिज़ाइन आर्ली वॉल्यूम आ जाती है. ठीक है, डिज़ाइन स्पीड, जितनी डिज़ाइन स्पीड आपके पास बढ़ेगी उतनी ही आपके पास ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के जो एलिमेंट्स हैं लाइक हॉरिजॉन्टल कर्व है, वर्टिकल कर्व है, उनके पैरामीटर्स भी उस हिसाब से चेंज होंगे. ठीक है, सिमिलरली आर्ली वॉल्यूम जो है वो अगर आपके पास वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उसी हिसाब से आपके पास लेन विड्थ्स और जो नंबर ऑफ लेन्स वगैरह है वो भी उस हिसाब से चेंज होंगी. ठीक है, व्हीकल परफॉर्मेंस एंड ह्यूमन फैक्टर्स आर आल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स व्हिच कंट्रीब्यूट्स टू द और व्हिच कंट्रोल्स द ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ द रोड्स. ठीक है, कि कौन किस किस्म की गाड़ियां उस पर्टिकुलर रोड को इस्तेमाल करेंगी, उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, और कौन से जो ड्राइवर्स हैं किस एज ग्रुप के वो इस पर्टिकुलर रोड को यूज़ करेंगे. ठीक है, तो ये भी जो है उस हिसाब से फिर आप ज्योमेट्रिक रोड की ज्योमेट्री को बनाते हैं. ठीक है, और सिमिलर डिज़ाइन व्हीकल है तो डिज़ाइन व्हीकल जितनी भी टर्निंग रेडियाइज होती हैं वो डिज़ाइन व्हीकल के ऊपर ही डिपेंड करती हैं. सबसे पहले हम डिज़ाइन व्हीकल को डिटेल में डिस्कस करते हैं. डिज़ाइन व्हीकल क्या है? एक ऐसा व्हीकल, इसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव व्हीकल. ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव व्हीकल जो ट्रैफिक स्ट्रीम में सबसे लार्जेस्ट व्हीकल होगा, विच हैज़ अ लार्जेस्ट फिजिकल डायमेंशन एंड विच हैज़ अ लार्जर मिनिमम टर्निंग रेडियाई. ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि डिज़ाइन व्हीकल कौन सा व्हीकल होता है तो आपने क्या बताना है? इट इज़ द व्हीकल दैट रिप्रेजेंट्स ऑल द व्हीकल्स इन द ट्रैफिक स्ट्रीम एंड दैट व्हीकल विल बी हैविंग द लार्जेस्ट फिजिकल डायमेंशंस. ठीक है,
विद इन द ट्रैफिक स्ट्रीम, ठीक है, एंड हैविंग अ लार्जर मिनिमम टर्निंग रेडियस, ठीक है ना। ये भी, ये जो डिज़ाइन व्हीकल है ये भी डिपेंड करता है फ्रॉम, यानी ये ट्रैफिक स्ट्रीम के ऊपर डिपेंड करता है। आपने ट्रैफिक डेटा कलेक्ट कर लिया, अब उसी डेटा के ऊपर आप जो हैं जो एक्सपेक्टेड यूजेज है कि कौन से गाड़ियां जो हैं, किस किस्म की गाड़ियां उस पर्टिकुलर रोड को इस्तेमाल करेंगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले यू शुड नो द, यू शुड हैव द डेटा और द ट्रैफिक काउंट डेटा इन, एंड इन दैट डेटा यू विल फाइंड, यू विल नो कि भाई कौन सा व्हीकल है जो कि तमाम गाड़ियों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है एंड जिसको हम एज अ डिज़ाइन व्हीकल कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसकी एक और बात भी है कि इट शुड हैव अ कंसिडरेबल फ्रिक्वेंसी। कंसिडरेबल फ्रिक्वेंसी का क्या मतलब है कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो सबसे लार्जेस्ट होगा वही आप एज अ डिज़ाइन व्हीकल कंसिडर करेंगे। लेट सपोज आपके पास 10,000 गाड़ियाँ गुजर रही हैं और 10,000 गाड़ियों में सिर्फ एक या दो गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा लार्जर डायमेंशन की हैं, तो फिर एक या दो गाड़ियों के लिए आप उस तमाम ज्योमेट्रिक डिज़ाइन नहीं बनाते, ठीक है। उसके लिए एक कंसिडरेबल फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। लेट सपोज 15% है या 10% है, तो एटलीस्ट इतनी कंसिडरेबल फ्रिक्वेंसी हो कि जो कि गवर्न करे और जो कि रिप्रेजेंट करे। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि 85% हम लेते हैं, ठीक है, तो जो कि 85th percentile पे हो, बोथ इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड बोथ इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, ये जो डायमेंशन है, ठीक है, फिजिकल डायमेंशन के हिसाब से। अच्छा, जनरल गाइडलाइंस थोड़ी बहुत हैं, बट इट इज इन दैट केस जब आपके पास डेटा नहीं है, जब आपके पास ट्रैफिक काउंट डेटा नहीं है, तो फिर इन जनरल गाइडलाइंस को आप इस्तेमाल करके ज्योमेट्रिक डिज़ाइन स्टैंडर्ड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप पार्किंग लॉट डिज़ाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली पार्किंग लॉट में जो डिज़ाइन व्हीकल होगा दैट वुड बी द पैसेंजर कार, ठीक है। इसके लिए ट्रक्स वगैरह तो नहीं लिया जा सकता, डेफिनेटली जो पैसेंजर कार होंगे दैट विल बी यूजिंग द पार्किंग फैसिलिटी, ठीक है। अगर आप लोकल स्ट्रीट या कलेक्टर रोड बना रहे हैं तो उसके लिए यूजुअली सिंगल यूनिट ट्रक एज अ डिज़ाइन व्हीकल लिया जाता है, या अगर आपके पास सिटी आर्टीरियल रोड्स हैं, यानी तो आर्टीरियल रोड्स में जो सिटी ट्रांजिट बस होती है जिसको जो 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 इसको हम हमारे अभी तो ख़त्म हो गए, ये जो 6B वगैरह के जो बसेस थे जो पहले पिशावर में चल रहे होते थे, तो यूजुअली दैट काइंड ऑफ बसेस जो हैं वो लिए जाते हैं फॉर एज अ डिज़ाइन व्हीकल फॉर आर्टीरियल रोड्स। इसके अलावा अगर आपके पास हाईवेज़ हैं, ठीक है, तो हाईवेज़ की केस में ये जो 84 पैसेंजर लार्ज स्कूल बस है उसको लिया जाता है एज अ डिज़ाइन व्हीकल, ठीक है। सिमिलरली अगर फ्रीवेज हैं आपके पास, तो फ्रीवेज की केस में WB67, ये इट इज़ WB का मतलब है व्हील बेस और 67 है 67 feet, तो यूजुअली WB67 जो है वो लिया जाता है एज अ डिज़ाइन व्हीकल फॉर डिफरेंट, उस हिसाब से तमाम जो रेडियाइज हैं, जो टर्निंग रेडियाइज हैं, वो उस हिसाब से बनाए जाते हैं। अगेन ये बात मैंने नीचे हाईलाइट की हुई है कि द सिलेक्शन ऑफ ईदर ऑफ दीज विल डिपेंड ऑन द एक्सपेक्टेड यूजेज ऑफ द फैसिलिटी, ठीक है ना, कि ज़रूरी नहीं है कि आप ये जो ऊपर गाइडलाइंस में ये तमाम गाड़ियां मेंशन है इसी को कंसिडर कर लें एज अ डिज़ाइन व्हीकल, ठीक है ना। इट डिपेंड्स कि ये जो एक्सपेक्टेड फैसिलिटी है, ये जो फैसिलिटी आप बना रहे हैं, ये जो रोड आप बना रहे हैं, उस वो एक्सपेक्टेड यूजेज उसका क्या है, उसमें कौन कौन सी किस्म की गाड़ियां उसको इस्तेमाल कर रही हैं। तो जो इस्तेमाल करेंगी, इफ़ यू नो द ट्रैफिक डेटा, तो फिर उसी ट्रैफिक डेटा के मुताबिक फिर आपने डिज़ाइन व्हीकल को सेलेक्ट करना है। अच्छा, ये सम ऑफ द डिज़ाइन व्हीकल्स हैं, ठीक है, दीज आर द पैसेंजर कार्स। यूजुअली ये तस्वीर मैंने इसलिए ऐड की हैं कि बाज़ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ये जो 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 प्राइवेट कार है दिस इज़ द पैसेंजर कार, नहीं, ये तमाम जो इस पिक्चर में दिए गए हैं दीज आर कंसिडर्ड एज द पैसेंजर कार्स। अच्छा, ट्रक्स में आपके पास सिंगल यूनिट ट्रक्स होती हैं और कम्बिनेशन ट्रक्स होती हैं, ठीक है, तो ये कम्बिनेशन ट्रक्स हैं, ठीक है, और एंड दिस इज अ सिंगल यूनिट ट्रक। ये ऑलरेडी आपके पास डिफरेंट जो व्हीकल्स हैं उनकी डायमेंशंस ऑलरेडी किताब में गिवन होती हैं, तो इस तरह नहीं है कि आपने एक एक के पीछे जाना होता है और यू हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ ईच व्हीकल।
एश्तो का ग्रीन बुक है, उस ग्रीन बुक में तमाम ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के सारे स्टैंडर्ड्स गिवन होते हैं। तो इसी तरह उसमें ये जो हर एक व्हीकल टाइप है उसी हिसाब से उसके तमाम डायमेंशंस भी गिवन होते हैं। सिमिलरली हर एक व्हीकल के हिसाब से उनका टर्निंग रेडियाई भी, मिनिमम टर्निंग रेडियाई भी गिवन होता है। लेट सपोज आपके पास पैसेंजर कार है, तो पैसेंजर कार की केस में जो मिनिमम टर्निंग रेडियाई होगा दैट वुड बी 23.8 फीट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि आप अगर पैसेंजर कार एज अ डिज़ाइन व्हीकल कंसिडर कर रहे हैं तो उसका तमाम फीचर्स जो हैं वो उनकी जो टर्निंग रेडियाई है वो 23.8 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। दिस इज द मिनिमम, ज्यादा हो सकती है। जितना स्पीड आप इंक्रीज करेंगे टर्निंग स्पीड, उतनी ही आपके पास ये ज्यादा रेडियस रिक्वायर्ड होगा। ये जो 23.8 फीट है ये कितने स्पीड के लिए है, दिस इज फॉर 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर आपके पास 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो उसके लिए फिर दिस अमाउंट ऑफ मिनिमम टर्निंग रेडियस वुड बी रिक्वायर्ड। अगर आपके पास डिजाइन स्पीड इंक्रीज होगा तो उसी हिसाब से फिर ये टर्निंग रेडियाई की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज होगी। अच्छा, ये जो 23.8 है ये कहां से आपके पास आया था, ये देखें, ये सेंटर से अगर आप आउटर व्हीकल के पाथ तक जाएं तो ये आपके पास कोई 23.8 फीट बनता है। अच्छा, नेक्स्ट जो आपके पास है दैट इज व्हीकल परफॉर्मेंस। व्हीकल परफॉर्मेंस में दो चीजें आ जाती हैं, दैट इज द रेट ऑफ एक्सेलरेशन एंड रेट ऑफ डी एक्सेलरेशन ऑफ द व्हीकल्स। अब रेट ऑफ एक्सेलरेशन और रेट ऑफ डी एक्सेलरेशन कौन से डिजाइन फीचर्स जो हैं वो उस हिसाब से बनाए जाते हैं। उसमें आपके पास आ जाता है फ्री वे रैंप्स, क्लाइंबिंग और पासिंग लेन्स, टर्न आउट बेस एंड एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन लेन्स। ठीक है, या ट्रक क्लाइंबिंग लेन्स भी आ जाती हैं इसमें। फ्रीवे रैंप क्या होता है, जब आप फ्रीवे से निकलते हैं टूवर्ड्स द इंटरचेंज या फ्रीवे में एंटर होते हैं मोटरवे में, फ्रॉम द इंटरचेंज टू द एक्चुअल फ्रीवे, तो उसको रैंप कहा जाता है। ठीक है, क्लाइंबिंग एंड पासिंग लेन्स कौन सी होती हैं, जब आप चढ़ाई पे चढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो एक ये देखें, ये जब आप इस ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये बेसिकली इसको हम टर्न आउट बेस भी कहते हैं, लेकिन इसको क्लाइंबिंग या पासिंग लेन्स भी कहा जाता है। इन केस जब आप इसको एक अप द हिल दे रहे हैं, यानी एलिवेशन पे वर्टिकल कर्व पे अगर हम बात करें तो उस केस में फिर इसको क्लाइंबिंग और पासिंग लेन्स कहा जाता है। ठीक है, ये टर्न आउट बेस होता है फॉर बसेस। अगर आपके पास लेवल रोड हो तो उस केस में बस स्टॉप के लिए ये छोटे सा एक पोर्शन बनाया जाता है। तो ये तमाम या इस तरह ये इमरजेंसी क्लाइंबिंग लेन्स हैं जो आपको नजर आ रही है, ट्रक क्लाइंबिंग लेन्स। तो इनकी जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ दिस व्हीकल, दिस पोर्शन ऑफ द रोड, इट डिपेंड्स अपॉन द व्हीकल परफॉर्मेंस। ठीक है, या इट डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ एक्सेलरेशन एंड रेट ऑफ डी एक्सेलरेशन ऑफ द व्हीकल। इसके लिए मैंने आपको ये ग्राफ भी पिछली क्लासों में समझाया था कि लेट सपोज आपके पास दिस इज रेट ऑफ एक्सेलरेशन फॉर पैसेंजर कार फॉर लेवल कंडीशंस। अगर आपके पास जो है इफ यू हैव एन इनिशियल स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, अगर आपकी इनिशियल स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर है एंड यू वॉन्ट टू रीच टू 70 किलोमीटर पर आवर, तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट बी रिक्वायर्ड टू रीच फॉर अ व्हीकल टू रीच फ्रॉम 30 to 70 किलोमीटर पर आवर। तो उसके लिए क्या होगा, ये ग्राफ आपको मिनिमम रेडियस, ये आपको मिनिमम लेंथ बता सकता है। ये देखें, ये जो डैश लाइन नजर आ रही है, दिस लाइन इज फॉर 30 किलोमीटर पर आवर इनिशियल स्पीड। इससे आप एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे टूवर्ड टू द 70। ठीक है, अगर आप 80 पे पहुंचना चाहते हैं तो फिर यहां से 80 तक लाइन खींचेंगे, अगर आप 90 तक पहुंचना चाहते हैं तो फिर यहां से 90 तक एक लाइन खींचेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, जब आप इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन आप खींचेंगे तो फिर उसके बाद आपने क्या करना होगा, उसी पॉइंट से आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना होगा दैट विल रीच टू द बॉटम ऑफ द कर्व, और जो डिस्टेंस आपको मिलेगा दैट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द व्हीकल टू रीच फ्रॉम 30 to 70 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अच्छा, दिस इज अनदर ग्राफ, और दिस इज फॉर रेट ऑफ डी एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर आपके पास ये जो पॉइंट्स आपको दी गए हैं, दिस इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द व्हीकल। ठीक है, और ये जो लाइन ए बी सी डी ई आपको दिया गया है, दिस इज द स्पीड रीच्ड कंफर्टेबल रेट के ऊपर। ठीक है, लेट सपोज आपके पास जो इनिशियल स्पीड है
वो 90 किलोमीटर पर आर है, ठीक है। और आप पहुंचना चाहते हैं 230 किलोमीटर पर आर, यानी आप 90 से अपनी स्पीड को रिड्यूस करना चाहते हैं 230 किलोमीटर पर आर, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे फ्रॉम 90 एंड यू विल रीच टू 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 लाइन डी, विच इज बेसिकली द 30 किलोमीटर पर आर लाइन, ठीक है। और फिर वहां से आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डिस्टेंस। तो आपके पास अगर आपने 90 से 30 पे पहुंचना है तो 110 मीटर वुड बी द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू टू रीच फ्रॉम 90 टू 30 किलोमीटर पर आवर। तो उसी हिसाब से आप जो हैं ये ट्रक क्लाइंबिंग लेन्स हैं, आपके पास टर्न आउट बेज हैं, आपके पास रैंप्स हैं, फ्रीवे रैंप्स हैं, ये इसी हिसाब से फिर ये उनकी लेंथ्स को डिसाइड किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है आपके पास है ड्राइवर परफॉर्मेंस एंड ह्यूमन फैक्टर्स, ठीक है। ड्राइवर परफॉर्मेंस और ह्यूमन फैक्टर्स तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी हाईवे आप बना रहे हैं, दैट हाईवे इज टू बी यूज्ड बाय द ड्राइवर्स, ठीक है। एंड तो इसलिए ड्राइवर्स को एकोमोडेट करना बड़ा ज़रूरी है। जितना इफेक्टिवली ड्राइवर्स उस पर्टिकुलर हाईवे को यूज़ करेंगे, उतनी ही वो डिज़ाइन जो है वो आपके पास सूटेबल होगा। जितने ही ड्राइवर्स जो हैं वो कंपैटिबल होंगे उस हाईवे के डिज़ाइन के साथ, उतनी ही ड्राइवर की परफॉर्मेंस एड होगी, मतलब ड्राइवर की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी अगर ड्राइवर जो है ड्राइवर की जो 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 कंपैटिबिलिटी है वो ज़्यादा हो विद द हाईवे डिज़ाइन फीचर्स। और अगर इनकॉम्पेटेबल हो, मतलब ये है कि लेट सपोज एक फ्रीवे है और फ्रीवे में ड्राइवर एज्यूम करता है कि चूंकि ये मोटरवे है तो मोटरवे पे स्पीड जो है यूजुअली अबव 100 होती है, और वो अबव और आपने जो डिज़ाइन फीचर्स बनाए हैं वो 100 के लिए नहीं बनाए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कंपेटेबल नहीं है ना। तो जब वो कंपेटेबिलिटी नहीं होगी ड्राइवर की मेंटल अप्रोच के साथ और उसकी बिहेवियर के साथ, तो डेफिनेटली क्या होगा, देर विल बी चांसेस ऑफ एरर्स एंड दैट कुड लीड टू क्रैशेस एंड एक्सीडेंट्स, ठीक है ना। तो जो भी डिज़ाइन फीचर्स होंगे वो उन ड्राइवर्स के लिए कंपैटिबल होने चाहिए। अब इस ड्राइवर्स के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट ह्यूमन फैक्टर्स के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो है और एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक जो है, दैट इज द एज ऑफ द ड्राइवर, ठीक है। तो एज में क्या होता है कि अगर आप यंगर ड्राइवर्स हैं तो वो तो शार्प होते हैं और मेजरली दे आर शार्प इन टेकिंग एनी डिसीजन, ठीक है, और उनकी विजिबिलिटी और सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो आपके पास जो एसएसडी के रिक्वायरमेंट है या आपके पास जो इंफॉर्मेशन है जो रोड पे दिया जाता है, वो तमाम फीचर्स तकरीबन यंग ड्राइवर्स के लिए तो कंपेटेबल होते ही होती हैं। लेकिन जितने ड्राइवर्स ओल्ड होते जाते हैं उन उतनी ही उनकी विजिबिलिटी, उनकी हेयरिंग एबिलिटी, ये सारा उन वो रिड्यूस हो जाती है। तो जब वो रिड्यूस हो जाती है तो फिर वो उनकी कंपेटिबिलिटी नहीं होती, मतलब जो डिज़ाइन फीचर्स हैं, जो ऑलरेडी रोड पे फीचर्स अवेलेबल हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो उन ड्राइवर्स के लिए, ओल्डर एज ड्राइवर्स के लिए कंपेटिबल नहीं होते। तो जो अलाउेबल एज लिमिट है, लेट सपोज ये डिपेंड करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, ठीक है। लेट सपोज आप यूएस में ड्राइव कर रहे हैं तो यूएस में जो अलाउेबल लिमिट है, लेट सपोज दैट इज 65 या 70 इयर्स, ठीक है। तो आपने फिर क्या करना है, अप टू 70 इयर्स तक तमाम ड्राइवर्स को एकोमोडेट करना है, तमाम फीचर्स जो हाईवे है के होंगी वो उन तमाम ड्राइवर्स को एकोमोडेट करेगी। मतलब ये कि अगर वो 70 वाला बंदा अगर वो ड्राइव कर रहा है तो वो भी कंफर्टेबल ड्राइव करें, ठीक है। तमाम चीज़ें उसको विजिबल हो, तमाम रोड साइंस, तमाम मार्किंग्स, तमाम इंफॉर्मेशन उसके लिए रीडेबल हो और उसकी साइज वगैरह ऐसी हो कि वो उस इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली उसके मुताबिक एक्ट कर सकें और तमाम फीचर उसके हिसाब से बनाई गई हों, ठीक है। ये ऑलरेडी आप लोग खुद ही पढ़ लें, क्योंकि ये मतलब ओल्ड, जब ड्राइवर ओल्ड हो जाते हैं तो उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कंपेयर टू द यंग ड्राइवर्स। अच्छा, इंफॉर्मेशन सिस्टम, डेफिनेटली जो ड्राइवर्स होते हैं वो जब रोड के ऊपर जा रहे होते हैं, तो लेट सपोज आप किसी रोड को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, तो ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये यही इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। समझ आ रही कि नहीं आ रही?
ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है रोड के ऊपर, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम रोड के ऊपर कहाँ से मिलता है? ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस के थ्रू। तो जो ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस से जो इंफॉर्मेशन ड्राइवर को मिलती है, यही एक फैक्टर है जिसकी वजह से एक अननोन ड्राइवर उस रोड के तमाम पॉइंट से जो है वो उसके बारे में उसको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है, और वो कंफर्टेबल होता है विद दैट पर्टिकुलर रोड। अगर वो फॉर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और उसने कहीं पे रुकना है, लेट सपोज ही नीड्स एनी स्टे, ही नीड्स टू रिफ्रेश और वट एवर, ही नीड्स टू यूज अ वॉशरूम, और रोड के ऊपर उसको कोई पता नहीं है कि आगे जो 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 सर्विसेज के लिए जो स्टॉप है वो कितनी दूर है, तो अगर उसको इंफॉर्मेशन सिस्टम है प्रॉपर, उसको पता चल जाए कि अब 5 किलोमीटर के बाद आ रहा है, तो ही विल बी फैमिलियर कि भाई 5 किलोमीटर बाद जो है देयर विल बी अ सर्विसेज एरिया एंड वेयर आई कैन हैव माय रिफ्रेशमेंट, वेयर आई कैन यूज माय वॉशरूम एंड एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। सिमिलरली अगर आगे जो है ही हैज टू टर्न टू सवात और आगे वो रोड पे जा रहे हैं और उसको कोई आइडिया नहीं है कि आगे कितने किलोमीटर के बाद देयर विल बी इंटरचेंज, ठीक है, सो ही कैन अलर्ट हिमसेल्फ। और तो अगर प्रॉपरली इफेक्टिवली रोड के ऊपर इंफॉर्मेशन गिवन होगी तो ही विल बी अलर्ट एंड ही विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सिमिलरली अगर आगे कोई शार्प टर्न आ रहा है या वट एवर द सिनेरियो इज, या उसको कोई जो डिजाइन स्पीड है उसको कोई डिजिग्नेटेड स्पीड अडॉप्ट करनी है, तो अगर इस तरह एक इंफॉर्मेशन उसको इफेक्टिवली मिलेगी रोड के ऊपर, तो तभी जाके ही विल एक्ट अपॉन एज पर द स्टैंडर्ड्स या एज पर द डिजाइन या एज पर द रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, ये ऑलरेडी हम ट्रांसपोर्टेशन वन में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस क्या है। इट इज अ मीडिया बाय विच ट्रैफिक इंजीनियर्स कम्युनिकेट विद द ड्राइवर्स। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये तो ट्रैफिक साइंस, ट्रैफिक मार्किंग्स और ट्रैफिक सिग्नल्स के थ्रू ही कम्युनिकेट की जाती है। अच्छा, इंफॉर्मेशन अवेलेबल तो है, लेकिन क्या वो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग सिचुएशन में भी है या नहीं है? हैंडलिंग सिचुएशन मतलब क्या है कि वो यूजेबल फॉर्म में हो और कैप्ट और ऐसी फॉर्म में हो कि वो ड्राइवर की जो अटेंशन है उसको कैप्चर कर सके, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि अननोटिस्ड सिचुएशन में ड्राइवर आगे मूव कर रहा है एंड ही द साइंस और द इंफॉर्मेशन विच आर प्रोवाइडेड थ्रू ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस आर केप्ट अननोटिस्ड, ठीक है ना। अच्छा, यूजुअली जो रिएक्शन टाइम है ये भी ऑलरेडी आपको पता है कि H2 की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो परसेप्शन रिएक्शन टाइम है वो 2.5 सेकंड लिया जाता है। तो उस 2.5 सेकंड में वो तमाम इंफॉर्मेशन को हैंडल कर सके। हैंडलिंग का मतलब ये है कि उसको रीड भी कर सके और इसको उसको अंडरस्टैंड करके उसके मुताबिक फिर एक्ट भी कर सके। तो ये वो तमाम फीचर्स जो हैं वो एटलीस्ट 2.5 सेकंड के टाइम में ये सारा कुछ होना चाहिए। अब ये देखें, ये तमाम साइंस हैं, ये ऑलरेडी साइंस लगे हुए हैं बट नो नन ऑफ द साइन इज इन द यूजेबल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दीज आर द साइजेस। अब ये कहें एक छोटा सा साइज है, लेट सपोज आप स्पीड हाई स्पीड पे जा रहे हैं 100 पे और ये एक छोटा सा साइन बना हुआ है, तो शायद आपकी एक 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 ब्लिंक ऑफ द आई इसके ऊपर चला जाए बट यू विल बी अनएबल टू कंप्लीटली रीड द टोटल इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो इसके लिए जरूरी है कि इसका एक प्रॉपर साइज होना चाहिए कि और इतना साइज होना चाहिए कि वो 2.5 सेकंड में ड्राइवर को नजर भी आ जाए, उसकी अटेंशन को ग्रैब भी कर सके और फिर वो इसको रीड भी कर सके और रीड करने के बाद उसके ऊपर एक्ट भी कर सके। तो ये उसके लिए एक प्रॉपर साइन के लिए एक प्रॉपर साइज होना चाहिए। ये ओवर यूज ऑफ द साइंस ना हो नहीं होने चाहिए। देखें क्लस्टर ऑफ साइंस बने हुए, तो अब आप देखें इतने मल्टीपल साइंस हैं, इतनी मल्टीपल इंफॉर्मेशन हैं कि इसमें से कौन सा इंफॉर्मेशन आप इस 2.5 सेकंड में जो है वो उसको रीड करके उसको अंडरस्टैंड करके फिर उसके ऊपर एक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस शुड नॉट बी द केस एज वेल। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ज्योमेट्रिक डिजाइन को कंट्रोल करता है, दैट इज द ट्रैफिक करेक्टरिस्टिक्स। उसमें सबसे पहले है वॉल्यूम या जो ट्रैफिक वॉल्यूम है उसके ऊपर रोड कौन कौन सी फीचर्स डिपेंड करती हैं। उसमें नंबर ऑफ लेन्स हैं, विड्थ ऑफ द लेन है, अलाइनमेंट्स हैं, इसके अलावा ग्रेड्स वगैरह हैं, वो तमाम के तमाम ट्रैफिक वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। वॉल्यूम हमारे पास
दो तरह की होती हैं, एक एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक है और एक एवरेज डेली ट्रैफिक है। एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक पूरे 365 दिनों का एवरेज लिया जाता है, और एवरेज डेली ट्रैफिक जो है वो 365 दिनों से कम टाइम के लिए, एक महीना है, 10 दिन है, 50 दिन है, 2 महीने है, 6 महीने है, जितना भी टाइम हो, ठीक है, तो उसका जब आप एवरेज लेते हैं दैट वुड बी द एवरेज डेली ट्रैफिक। और एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक क्या होता है, ये पूरे 365 दिनों का वॉल्यूम होता है, ठीक है। अच्छा, जब भी आप डिजाइन करते हैं तो उसमें एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक की बेस पे डिजाइन नहीं किया जाता, बल्कि पीक आवर वॉल्यूम की बेस पे डिजाइन किया जाता है, ठीक है। पीक आवर कौन सा होता है, जो 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 जितना भी आपके पास डेज है उन तमाम डेज के वॉल्यूम को हम क्या करते हैं, आर्ली वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं। उसमें जो सबसे पीक आवर होता है वो पीक आवर वॉल्यूम कहलाता है, जो कि जिस वो घंटा जिसमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ट्रैफिक हो दैट वुड बी कॉल्ड एज द पीक आवर वॉल्यूम। लेकिन यूजुअली हम जो फर्स्ट पीक आवर है उसके ऊपर डिजाइन नहीं करते, बल्कि 30th पीक आवर के ऊपर डिजाइन करते हैं, और उसको हम 30th आर्ली वॉल्यूम भी कहते हैं। 30th आवर के ऊपर किस लिए क्यों डिजाइन करते हैं, इसलिए डिजाइन करते हैं, अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड पीक आवर के ऊपर डिजाइन करें तो इसमें यह होता है कि पूरे साल में कितने घंटे हैं, कोई 8600 के लगभग आवर्स हैं। उन 8600 के लगभग आवर्स में ये देखें तो अगर आप फर्स्ट के ऊपर डिजाइन करें तो ये इट वुड बी वेरी अनइकोनॉमिकल, ठीक है ना, अनइकोनॉमिकल हो जाएगा अगर आप जो है बहुत ज्यादा पीक के ऊपर डिजाइन करें। तो हमने 85% ऑफ द रोड यूजर को अकोमोडेट करना होता है, ठीक है ना। इस वजह से अगर आप ये देखें, ये बहुत शार्प पीक है, देयर इज अ वेरी शार्प पीक, और अगर आप 30 के बाद स्टार्ट लें तो कर्व जो है वो फ्लैट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, बट देयर इज अ वेरी शार्प पीक अबव 30 आवर्स। अब इस पोर्शन के लिए आप डिजाइन करेंगे तो कर सकते हैं, ऐसी कोई बंदिश नहीं है, बट अगर आप करेंगे तो द डिजाइन वुड बी अनइकोनॉमिकल, क्लियर। अच्छा, जो पीक आवर ट्रैफिक है उसके लिए एक रूल ऑफ थंब क्या है कि अगर आप मालूम नहीं कर सकते हैं तो आप क्या कर लें, अगर इफ यू नो द एएडीटी तो 15% ऑफ द एएडीटी वुड बी टेकन एज द 30th आवरली वॉल्यूम फॉर रूरल एरियाज, एंड 8-12% ऑफ द एएडीटी इज यूजुअली टेकन एज द 30th पीक आवर वॉल्यूम फॉर अर्बन एरियाज। इस तरह इसमें लेन डिस्ट्रीब्यूशन है, डायरेक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो वॉल्यूम लिया जाता है वो सिर्फ पीक आवर का नहीं लिया जाता डिजाइन पर्पस के लिए, बल्कि डायरेक्शनल पीक आवर वॉल्यूम लिया जाता है, ठीक है। तो डायरेक्शनल पीक आवर मतलब क्या है, पीक आवर वॉल्यूम इन द पीक डायरेक्शन। अब देखिए एक रोड है जिसके ऊपर सुबह जो है वो गाड़ियां जा रही हैं टूवर्ड्स यूनिवर्सिटी, और उसकी जो अपोजिट लेन है उस पे मतलब देयर इज अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ ट्रैफिक, तो जो पीक डायरेक्शन होगा, अब पीक आवर तो है सुबह के टाइम, लेकिन पीक आवर में भी एक पीक डायरेक्शन होगी जिसमें जिस तरफ ज्यादा गाड़ियां जा रही होंगी, तो दैट वुड बी टेकन एज द पीक डायरेक्शन, ठीक है। तो जो ट्रैफिक वॉल्यूम लिया जाता है यूजुअली पीक डायरेक्शन के लिए लिया जाता है, ठीक है, सो दैट वुड बी द पीक डायरेक्शन फ्लो, पीक आवर वॉल्यूम इन द पीक डायरेक्शन। और इसकी मिसाल कुछ ऐसे है कि लेट सपोज आपके पास देखें, इफ देयर इज आर 4000 व्हीकल्स, ठीक है, 4000 आपके पास एएडीटी है पर आर जो है, लेट सपोज आपके पास 4000 व्हीकल्स जा रही है, उन उस आवर में अगर आपके पास इक्वल स्प्लिट करें, इक्वल मतलब 50-50, तो 2000 व्हीकल्स एक डायरेक्शन में जाएंगी, जो कि अप्रोक्सीमेटली अगर हम 1000 व्हीकल्स पर लेन ले तो ये 2 लेन्स ईच साइड रिक्वायर्ड होगा। लेकिन अगर हम यही 4000 है और उसको स्प्लिट करें इनटू 30 इनटू लेट सपोज 2080 मतलब 80% पीक आवर में जा रहे हैं, तो अब क्या होगा, द 80% इस 4000 का क्या होगा, दैट विल बी 3200, तो 3200 के लिए देयर विल बी ऑलमोस्ट 3 लेन्स रिक्वायर्ड। तो ये आप खुद देख लें, जस्ट ऑल्दो द टोटल नंबर इज द सेम, टोटल नंबर यही 4000 है, लेकिन क्या होगा, आपके पास सिर्फ परसेंटेज, डायरेक्शनल परसेंटेज चेंज करने से आपके पास नंबर ऑफ लेन्स चेंज हो जाती हैं। तो इस वजह से यू कैन सी कि हाउ द डायरेक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट्स द ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ द रोड। इसके लिए ये फार्मूला है कि डायरेक्शनल डिजाइन आर्ली वॉल्यूम आप किस तरह निकाल सकते हैं, एडीटी को के फैक्टर से मल्टीप्लाई करें और डी फैक्टर से, के फैक्टर पीक आवर वाला फैक्टर है और डी फैक्टर पीक डायरेक्शन वाला फैक्टर है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल था जो कि हमने पिछली क्लासों में किया भी था, बट
इसको आप सॉल्व करें इफ यू हैव एनी इश्यूज। ठीक है, यही है आपके पास। देखें, इफ यू हैव 50,000 व्हीकल्स पर डे, एडीटी आपके पास गिवन है, तो क्या होगा? इफ यू वांट टू अर्बन हाईवे है रेडियल, ठीक है, तो अर्बन हाईवे है, ये अर्बन है और रेडियल राउट है, तो के फैक्टर कितना लिया जाएगा? 0.07 से लेकर 0.12 तक, और डी फैक्टर 0.55 से लेकर 0.60 तक लिया जाता है। तो अगर हम हाईएस्ट के ऊपर ही रिलाय करें तो क्या होगा? 50,000 मल्टीप्लाई 0.12 मल्टीप्लाई बाय 0.60, दिस विल गिव यू द डीडीएचपी। ठीक है, डायरेक्शनल डिजाइन आरली वॉल्यूम। और अगर सिर्फ आरली वॉल्यूम आपने निकालना है, डिजाइन आरली वॉल्यूम डीएचपी, तो आपने सिर्फ इसको के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट वुड बी 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.12। क्लियर? ओके, नेक्स्ट जो ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज द कंपोजिशन ऑफ द ट्रैफिक। सिर्फ नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपोजिशन भी इंपॉर्टेंट है। कंपोजिशन का मतलब क्या है कि ट्रैफिक स्ट्रीम में कौन कौन सी गाड़ियां जा रही हैं, ठीक है, और इसमें परसेंटेज ऑफ ट्रक्स कितने हैं, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज ऑफ हैवी व्हीकल्स इट इज प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल। क्यों? क्योंकि जो एक ट्रक जगह लेता है, जितना ट्रैफिक ऑपरेशन को इफेक्ट करता है, वो तकरीबन सेवरल पैसेंजर कार्स के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से अगर आपके पास ट्रैफिक स्ट्रीम में प्रोपोर्शन ऑफ ट्रक्स ज्यादा है, तो इसलिए फिर जो डिमांड होगा, जो ट्रैफिक डिमांड होगा, देट वुड बी ग्रेटर एंड द हाईवे, ग्रेटर हाईवे कैपेसिटी वुड बी नीडेड। ठीक है, अगर आपके पास 4,000 व्हीकल है और उसमें 1,000 ट्रक्स हैं, ठीक है, तो उसके लिए नंबर ऑफ लेन्स जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। और अगर यही 4,000 गाड़ियां हैं, ट्रैफिक है, और उसमें सिर्फ 200 ट्रक्स हैं, तो उसके लिए फिर रिक्वायरमेंट, नंबर ऑफ लेन्स की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। तो इसलिए कंपोजिशन ऑफ ट्रैफिक इज ऑल्सो प्लेइंग अ वाइटल रोल इन द ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ द रोड। ठीक है, ये हम क्या करते हैं, तमाम ट्रैफिक को पीसीयू में कन्वर्ट करते हैं, विच इज द पैसेंजर कार यूनिट। ठीक है, लेट सपोज ये जो आपके पास देखें कार्स वगैरह हैं, तो उसका पैसेंजर कार यूनिट 1 लेते हैं। जो ट्रक्स या बसेस वगैरह हैं, वो 3 से 4 तक लिया जाता है। और जितना आप देखें, ये बुलक कार्ट्स हैं, ये हॉर्स ड्रॉन कार्ट्स हैं, उनकी जो पैसेंजर कार इक्विवेलेंसी वैल्यू है वो ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि वो ज्यादा ट्रैफिक ऑपरेशन को इफेक्ट करता है। जो नॉर्मल ट्रैफिक स्ट्रीम में अगर आपके पास एक हॉर्स ड्रॉन कार्ट या एक बुलक कार्ट जा रहा होता है, तो वो जितनी डिस्टरबेंस क्रिएट करता है इन द ट्रैफिक स्ट्रीम, वो पैसेंजर कार के 6 गुना डिस्टरबेंस के बराबर होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर उस हाईवे की कैपेसिटी के रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। अच्छा, इसमें ट्रैफिक करेक्टरिस्टिक्स में एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ फ्यूचर ट्रैफिक डिमांड। इस तरह नहीं है कि सिर्फ जो आज का जो हमने डेटा लिया या करंट ईयर का पूरे एक साल का डेटा है, तो उसी के ऊपर हम डिजाइन करें, बल्कि कि हम किस लिए डिजाइन करते हैं, जितना आपके पास डिजाइन लाइफ होता है ऑफ द फैसिलिटी, उसके लिए टोटल वॉल्यूम निकाला जाता है। लेट सपोज हमारे पास यूजुअली 15 से 24 साल या इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस 20 साल लिए जाते हैं, तो उस 20 सालों में इस पर्टिकुलर फैसिलिटी के ऊपर जितनी ट्रैफिक आएगी, उस तमाम ट्रैफिक को हम लेंगे और फिर उसको अप्लाई करेंगे, और उसी हिसाब से फिर तमाम फीचर्स जो हैं वो डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से प्रोजेक्टेड फ्यूचर ट्रैफिक, उसके लिए आपको ग्रोथ रेट का या पता होना जरूरी है, उसी हिसाब से फिर आप पूरे 20 इयर्स का ट्रैफिक निकाल सकते हैं। लास्ट जो ट्रैफिक करेक्टरिस्टिक में इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, दैट इज द डिजाइन स्पीड। ठीक है, जितने भी आपके पास डिजाइन फीचर्स होती हैं, ज्योमेट्रिक डिजाइन फीचर्स, वो डिजाइन स्पीड के ऊपर डिपेंड करती हैं। उसमें जितना, अगर आप हॉरिजॉन्टल कर्व डिजाइन कर रहे हैं, अगर आप वर्टिकल कर्व डिजाइन कर रहे हैं, अगर आप कोई यू टर्न डिजाइन कर रहे हैं, कोई इंटरसेक्शन डिजाइन कर रहे हैं, इस तरह आप स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की अगर रिक्वायरमेंट है, जितनी भी रोड की ज्योमेट्रिक डिजाइन फीचर्स हैं, उन उसमें डिजाइन स्पीड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जितना डिजाइन स्पीड आपके पास इंक्रीज होगा, यही तमाम फीचर्स जो हैं वो आपके पास चेंज हो जाएंगी अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो सम डिजाइन फीचर्स लाइक कर्वेचर, सुपर एलिवेशन, साइड डिस्टेंस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू एंड वेरी अप्रिशिएबली विद द डिजाइन स्पीड। ठीक है, ये तमाम फीचर्स जो हैं वो डायरेक्टली डिजाइन स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है, एंड इट चेंजेस विद द डिजाइन, एज द डिजाइन स्पीड चेंजेस।
सो दिस इज द समरी ऑफ द डिजाइन स्पीड की किस तरह आपका आपका डिजाइन स्पीड कैसे होना चाहिए ये आप खुद ही पढ़ लें. सो देट वॉज ऑल अबाउट द ज्योमेट्रिक डिजाइन करेक्टरिस्टिक्स. अगर इसको मैं समराइज करूँ तो अगर आप ज्योमेट्रिक डिजाइन कर रहे हैं तो ज्योमेट्रिक डिजाइन में कौन कौन से कंट्रोल फैक्टर्स हैं, कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं जिस जो कि डिजाइन को कंट्रोल करती हैं, उसमें आपके पास क्या है, डिजाइन व्हीकल. डिजाइन व्हीकल क्या है, इट इज द रिप्रेजेंटेटिव व्हीकल, ठीक है, इन द ट्रैफिक स्ट्रीम. दूसरा आपके पास क्या है, व्हीकल परफॉर्मेंस एंड ह्यूमन फैक्टर्स हैं. व्हीकल परफॉर्मेंस मतलब रेट ऑफ एक्सेलरेशन एंड रेट ऑफ डी एक्सेलरेशन, ठीक है. उस हिसाब से कौन से फीचर्स डिजाइन किए जाते हैं, ट्रक क्लाइंबिंग लेन्स है, रैम्प्स है, इमरजेंसी लेन्स हैं, ये तमाम जो है वो व्हीकल परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करती है. ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं, यानी जितना तमाम फीचर्स जो हैं वो कंपैटिबल होने चाहिए विद द ड्राइवर्स रोड. तो वो उसके लिए फिर ह्यूमन फैक्टर्स क्या है कि उस जितने भी ड्राइवर्स हैं जो इस पर्टिकुलर फैसिलिटी को यूज करेंगे तो उन उनको तमाम को एकोमोडेट करना चाहिए. अगर एकोमोडेट नहीं करेंगे तो कुछ क्या होगा, देयर विल बी चांसेस ऑफ एरर्स एंड देयर विल बी एक्सीडेंट्स ऑन दैट पर्टिकुलर हाईवे. सिमिलरली ट्रैफिक करेक्टरिस्टिक्स में क्या चीजें हैं, डिजाइन स्पीड है और डिजाइन आर्ली वॉल्यूम है. तमाम फीचर्स जो ज्योमेट्रिक डिजाइन के तमाम फीचर्स हैं, चाहे सुपर एलिवेशन है, चाहे हॉरिजॉन्टल कर्व है, चाहे वर्टिकल कर्व है, ठीक है, तो वो तमाम जो है वो डिजाइन स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है. डिजाइन स्पीड इंक्रीज होगा तो ये तमाम फीचर्स में सिग्निफिकेंट चेंज आएगा, और अगर ये डिजाइन स्पीड हम कम करेंगे तो डेफिनेटली इनकी डायमेंशन उस हिसाब से चेंज हो जाएगी. लास्ट में हमारे पास ट्रैफिक आर्ली वॉल्यूम था, तो वॉल्यूम तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जितनी नंबर ऑफ लेन्स आप मालूम करते हैं, ठीक है, जितनी भी डिजाइन फीचर्स होती हैं वो 30th पीक आर के लिए डिजाइन की जाती है, यानी पीक आर वॉल्यूम के लिए, लेकिन पीक आर वॉल्यूम इन द पीक डायरेक्शन के लिए डिजाइन की जाती है, ठीक है. तो ये डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है. आई होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. थियोरेटिकल बेस्ड लेक्चर है, इसको आप खुद भी पढ़ लेंगे तो इतनी मसला नहीं होगा आपके लिए. इसमें अगर किसी का कोई सवाल है तो गुड इनफ, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ